क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि रोटेशन हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एल बाई फोर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट। कहने का मतलब यह है कि एक रॉड है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से एल बाई फोर डिस्टेंस पर है ना एक एक्सिस लेंगे जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, मान लेते हैं ये है एक्सिस वन, है ना, और ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो हमें पता है कि आई वन जो होगा वो हो जाएगा आई सी एम, ये जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, प्लस एम डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना है, आई वन फाइंड करना है, तो आई सी एम हमें पता होना चाहिए। आई सी एम जो होता है मिड पॉइंट के अबाउट लेंथ के परपेंडिकुलर, ये हम लोगों को पहले से पता है, ये होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना, और ये हो गया एम डी का जो वैल्यू होता है वो होता है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन जो कि एल बाई फोर है यहाँ पर, तो एल बाई फोर का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इनफैक्ट 4 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 1/4, है ना। तो एम एल स्क्वायर बाई 4, यहाँ एल सी एम आ जाएगा 12, 4 प्लस 3 मतलब 7/48 एम एल स्क्वायर। ये जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अगर रेडियस ऑफ जायरेशन पता हो तो एम इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का होल स्क्वायर, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है। ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट होता है, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एम इंटू के स्क्वायर करेंगे, जहाँ पर के रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। तो यहाँ से एम और एम कैंसिल हो गया, के का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एल अंडर रूट 7/48, है ना। तो ये जो वैल्यू है आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, जो सेकेंड ऑप्शन है वो एल अंडर रूट 7/48 दिया गया है।